गुरामलानी पुलिस की ओर से पिछले समय में तस्करों से बरामद किए गए डोडा पोस्त का मंगलवार को निस्तारण किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशों के बाद मंगलवार को गुरामलानी थाना अधिकारी के नेतृत्व में डोडा पोस्त के निस्तारण की कार्रवाई की गई। इस दौरान थाने का स्टाफ मौजूद रहा। गुरामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के 3 अलग अलग थानों में जब्त 53 क्विंटल 3 किलो डोडा पोस्त व चूरे का एसपी दीपक भार्गव की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा नष्ट करने की कार्रवाई को मंगलवार को अंजाम दिया गया। इन डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 1,06,00,000 रुपए आंकी गई है। निस्तारण गुड़ामालानी के पास से निकलने वाली लूणी नदी के पास किया गया। कार्रवाई में करीब 4 घंटे का समय लगा। इस दौरान 3 थानों के थानाधिकारी और माल थाना इंचार्ज में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जिले के गुड़ामालानी, आरजीटी नगर व कल्याणपुर थाने की पुलिस ने 3 सालों में अवैध डोडा पोस्त की कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद किया था, लेकिन कोविड के चलते डोडा पोस्त का निस्तारण नहीं हो पाया था। बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त होने की वजह से माल खाने में रखने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के नेतृत्व में गठित टीम की मौजूदगी में डोडा पोस्त के निस्तारण की कार्रवाई गुड़ामालानी लूणी नदी के पास शुरू की गई। गुड़ामालानी आरजीटी कल्याणपुर थाना से लाए गए डोडा पोस्त का इलेक्ट्रिक तोल कांटे से वजन किया गया। डोडा पोस्त निस्तारण की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। निस्तारण के दौरान एसपी दीपक भार्गव, एडिशनल एसपी नरपत सिंह, गुड़ामालानी थानाधिकारी रमेश ढाका, कल्याणपुर थानाधिकारी कैलाश दान, आरजीटी थाना प्रभारी मनोहर लाल बिश्नोई मौजूद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे रखे हैं कि जहाँ पे भी डोडा चूरा NDPS के बाकी पदार्थ आते हैं तो एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बनती है। वो न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के बाद में उसको नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। तो बाड़मेर जिले के भी बहुत सारे मुकदमों के बहुत सारे थानों में इकट्ठा हो रखा है NDPS पदार्थ, तो उस क्रम में पुलिस मुख्यालय और माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में आज 3 थानों के 53 क्विंटल से अधिक के माल को नष्ट किया गया है और ये कार्रवाई निरंतर आगे भी जारी रहेगी। लगभग अनुमानित कितनी राशि कितनी है इसकी? लगभग 1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय माल से तो करोड़ के लगभग इसकी बैठती है। 1 करोड़ से अधिक का जो डोडा चूरा विभिन्न थानों में जब्त था, 3 थानों में जब्त था, उसको अभी नष्टीकरण किया गया है। एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिए हुए हैं कि NDPS एक्ट की कार्रवाई मादक पदार्थ आते हैं तो ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी एसपी की अध्यक्षता में बनती है और न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के बाद उसका नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। जिले के अलग अलग थानों में मादक पदार्थ इकट्ठा हो रखे हैं। मंगलवार को 3 थानों के 53 क्विंटल से अधिक के माल को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई निरंतर आगे भी जारी रहेगी। इन डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है।